चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडीदीप की सीमेंट फैक्ट्री की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। फैक्ट्री में काम के दौरान युवक का पैर मशीन में फंसने से कट गया। घटना के बाद करीब 4 घंटे तक युवक का पैर मशीन में ही फंसा रहा, लेकिन फैक्ट्री मालिक मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसका जो पैर है वो मशीन से बाहर निकाला गया। घायल युवक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में पत्नी समेत 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये सर 2 बजे से लड़का बिदा है, उसमें किसी ने पता भी नहीं दिया कि क्या हो गया है। उसके बाद हम लोगों को पता चला जब हम लोग यहाँ गेट भी नहीं खोल रहे थे, यहाँ के चौकीदार गार्ड मना कर रहा था कि इधर आने के लिए। फिर हम लोग इधर से आया जब उसके गार्ड से बोला, जब उसने गेट खोला 1 बजे को फंसो यहाँ नहीं दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए हमारे आके पूरा मोहल्ला खोने फिर गेट पे से खूंद के और गेट से अंदर आके जब अंदर आंदा ही नहीं तो वो आन सेट भी और गेट बार आन नहीं दे रहा। जो पेशेंट है उसका नाम राहुल राजू अहिरवार है, 40 साल उम्र है इसकी। ये स्काईलाइन कंपनी में काम करते वक्त अचानक मशीन में उसका पैर फंस गया, जिसकी वजह से उसके बाएं पैर का लेफ्ट पैर का पंजा कट गया है, ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन हो गया और उसके ऊपर उसी पैर का लेफ्ट वाले पैर का टिबिया फिबुला बोन का भी फ्रैक्चर हुआ है। प्राइमरी मैनेज करके उसको अस्पताल लेके आया गया। सूचना मिलने पे अस्पताल डॉक्टर तुषार और एक स्टाफ यहाँ से चला गया था, जो भी लेके आया और यहाँ से मैनेज करने के बाद उसको भोपाल रेफर कर दिया गया।